हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 16, और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की। आगे हम देखते हैं, आज नया टॉपिक बेंचमार्किंग भी हमने डिस्कस किया। नाउ द फोकस इज ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये सारे खतरनाक कंसेप्ट जो है ना, जापानीज कंपनी वाले लेके आते हैं, बिकॉज बाकी पूरे वर्ल्ड के बस का है नहीं है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या डिटेल्स हैं इसकी, ठीक है? फिर लैंग्वेज को अगर आपको रेफ़र करना है तो यू में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वर्ड से पता चल रहा है कुछ क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ऐसा उनका मानना है कि हमें कॉस्टिंग पे और क्वालिटी पे एक साथ ध्यान देना चाहिए। और एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो इम्पोर्टेंस रखती ही है, बट फिर कॉस्टिंग कम करने के चक्कर में अगर आप क्वालिटी बिगाड़ दो तो उसका भी कोई मज़ा नहीं है। तो बैलेंस मेंटेन करना नेसेसरी है, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने ये बोला कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे और थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए। मतलब ठीक है, कॉस्टिंग अपनी जगह है, लेकिन जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो रिलेशंस आप मेंटेन कर रहे हो, वो सारी चीज़ों में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और यही क्लैरिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है? डेफिनेशन वाइज जो बोल रहे हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट है। क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, बहुत बेसिक सा पार्ट है। आपको सिर्फ उसका फंडामेंटल ये समझना है कि लो कॉस्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, इसका एक बैलेंस बना के रखना। नो डाउट इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि जहाँ क्वालिटी की बात आती है वहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है, जहाँ कॉस्ट घटाने की बात आती है वहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो यही तो चैलेंज है ना, नहीं तो फिर ये कंसेप्ट ही क्यों बनता? तो जो चैलेंज है वो यही है कि आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस कैसे कर पाते हो, ठीक है? देखें आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत रिपीटेशन किया है, तो मैं अननेसेसरी ना वर्ड टू वर्ड वहां पे जा ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे बोला है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जब तक आपके एम्प्लॉयज क्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक बाकी कोई क्यों इम्पोर्टेंस देगा? तो ऑब्वियसली क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, वो भी विथ रिड्यूस्ड कॉस्ट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और ये सब बहुत ज़रूरी है, और एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद कस्टमर फोकस, कस्टमर के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही छोटे छोटे चेंजेस कहीं ना कहीं काम लगेंगे, ठीक है? इसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, माइनर माइनर चेंजेस। जैसे आप पता है कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो उसमें था बग फिक्सेस, ठीक है? तो अपडेट में क्या आया भाई, बग्स हैव बीन फिक्स्ड। तो जो छोटे मोटे एरर आते थे, जो इग्नोरेबल थे, बट उनको भी इम्प्रूव किया ताकि क्वालिटी बेस्ट हो जाए, ठीक है? प्रोसेस अप्रोच, इट कॉल्स फॉर ब्रेकिंग ऑल प्रोसेसेस इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, इंटरनल एक्सटर्नल। मतलब हर एक प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो, एक एक स्टेप के ऊपर काम करो, ताकि पूरा प्रोसेस और जो पूरा आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो इम्प्रूव हो सके। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ऑल इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस शुड बी मैनेज्ड एज ए सिस्टम। अच्छा, टू एंश्योर दैट इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन द की प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे ये बोला है, पहले तो बोला हर एक प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो, बट फिर बोला कि ऐसे ही प्रोसेसेस का जो कॉम्बिनेशन है उनको एक सिस्टम माना जाए, और हर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं उन पे फोकस किया जाए ताकि क्वालिटी बेटर हो सके। तो कोई भी बैंकिंग सिस्टम हो, प्रोडक्शन सिस्टम हो, सेल्स का सिस्टम हो, सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका हो, कोई भी तरीके का सिस्टम हो, तो उसके अंदर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है उनको बेटर करने पे फोकस करना। डिसीजंस फैक्ट्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे लेने चाहिए। लीडरशिप जो है वो एक विजनरी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी डिफाइंड होनी चाहिए। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस बहुत ज़रूरी है आपके और सप्लायर्स के बीच में, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है? आगे प्रिंसिपल्स क्या है इसके, अगेन रिपीटेशन, ये तो सेम हो गया है। कस्टमर फोकस, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड सिस्टम, सारा तो सेम है।
जाने दो यार, फालतू का आंसर रिपीट कर करके पेज भरते हैं लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये भी तो मैंने आपको बोला, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे चांसेस जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे आप करो। जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फोकस एरियाज भी बोले, डिमांड जनरेट करने की कोशिश करो, सप्लाई भी उस हिसाब से जनरेट करने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी में नेसेसरी अपडेट्स करो, ऑपरेशंस जो आपके हैं प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, अकाउंटिंग, फिनांस, उसको इम्प्रूव करो, और जो कैपेबिलिटी है आपके स्टाफ की, एम्प्लॉयज़ की, मैन्युफैक्चरिंग लेबर की, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो सब होना चाहिए, नेसेसरी है। वापस पूरी स्टोरी दी है, TQM TQM बार बार है, टॉपिक ऐसा ही है, मुझे मजबूरी में रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द यू नो MCQ पार्ट। अब आ गया सिक्स सिग्मा, देखो सिक्स सिग्मा अभी भी क्रक्स बता रहा हूँ, टॉपिक है ही ऐसे थोड़े से, आप भी थोड़ा उसको उस हिसाब से देख सकते हो कि जितना नेसेसरी है उस पर फोकस करो, अदरवाइज परेशान हो जाओगे। सिक्स सिग्मा का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, जब मैन्युफैक्चरिंग करती थी कंपनी, प्रोडक्शन करती थी, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इश्यूज आते थे, यू नो क्या बोल सकते हैं, डिफेक्टिव पीसीज या डैमेज पीसीज बहुत बनते थे, उसको सुधारना, उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो इन्होंने ये बोला कि सिक्स सिग्मा जो प्रोसेस है, यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैव टू बी कंट्रोल्ड, हैव टू बी रिड्यूस्ड। तो शुरुआत हुई थी वन सिग्मा से, तो उसमें ऐसा था पर मिलियन पार्ट्स या पर मिलियन यूनिट्स, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख यूनिट बनाने पे कितना यूनिट खराब बनता है, क्यों पता है क्या हो रहा था, जब बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव यूनिट्स बनते हैं तो उसके रिपेयरिंग में, उसके रिस्ट्रक्चरिंग में, रीवर्क में बहुत खर्चा होता है, नुकसान जाता है कंपनी को। अच्छा, अगर वो प्रोडक्ट जो है वो टेस्टिंग नहीं हुआ और कस्टमर को मिल गया तो वारंटी क्लेम्स आते हैं, कंपनी की गुडविल खराब होती है कि यहाँ पे तो बहुत खराब यूनिट्स बनते हैं। नो डाउट आप बाद में सर्विस अच्छी देते हो, अगर आप कस्टमर को रिपेयरिंग सर्विस अच्छी देते हो तो उसका नुकसान कंपनी को झेलना पड़ता है वारंटी क्लेम्स में, नहीं करके दोगे तो कस्टमर लॉयल्टी नहीं दिखाएगा और बैड रेपुटेशन हो जाएगी मार्केट में, तो हर तरीके से नुकसान है, ठीक है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये सिक्स सिग्मा टेक्निक जो है वो जापानीज कंपनीज ने और बाकी कंपनीज ने भी फॉलो करना स्टार्ट किया, और बोला कि हम कैसे हमारी सर्विसेज को और हमारे प्रोडक्शन को उस तरीके से इम्प्रूव करें कि गलतियाँ मिनिमाइज होती जाए, ठीक है। तो वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, ऐसे करके ये चलता गया। मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे इन्होंने वो दे रखा हो, एक्चुअली दिया तो नहीं है, हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू वाली तो बात नहीं है। चलो एक बार सर्च करते हैं, देखो ये है, अगर हम वन सिग्मा की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इतने पार्ट्स जो है वो गड़बड़ वाले बनते हैं। पूरा एक बार पेज ओपन कर लेते हैं। डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, अगर आप मिलियन प्रोडक्ट्स बनाते हो तो कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव बनते हैं, ये उसका रेट है। हम कोशिश करेंगे ना जितना कम से कम डिफेक्टिव बने उतना अच्छा है। देखो वन सिग्मा में 7 लाख अराउंड यूनिट्स डिफेक्टिव बनेंगे पर 10 लाख, मतलब यील्ड देखो कि करेक्ट कितने बन रहे हैं, सिर्फ 30%, बहुत कम है, तो कितना नुकसान। टू सिग्मा में 69% प्रोडक्ट सही बनेंगे, चलो अच्छा। थ्री सिग्मा में 93% इज अ बेटर परसेंटेज। फोर सिग्मा में 99.379, मतलब 10 लाख यूनिट बनाओगे तो 6,000 यूनिट में प्रॉब्लम आएगा। फाइव सिग्मा में बोला 10 लाख में से 233 यूनिट्स में ही प्रॉब्लम आएगा, और सिक्स सिग्मा में तो ऐसा बोल रहे हैं सिर्फ 3.4 यूनिट्स पर मिलियन इसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मतलब 10 लाख यूनिट बनेंगे ना तो सिर्फ 3.4 यूनिट्स ही खराब बनेंगे, इतना लेस चांस ऑफ एरर,
इसको बोलते हैं सिक्स सिग्मा। आप ही सोचो क्या ये अचीव करना इतना आसान है क्या? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, तो नहीं है और बहुत कम लोग अचीव कर पा रहे हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, ये रियल वर्ल्ड का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है और वो लोग कितनी गलती करते हैं और कितनी नहीं। तो ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से सिक्स सिग्मा की बात हो रही है, बेसिक मीनिंग तो यही है। अब ये लोग क्या करते हैं, थियरी के नाम पे उसको खींचते रहते हैं खींचते रहते हैं। हमारा भी काम कहीं ना कहीं वैसे ही हो जाता है। अब ये सिक्स सिग्मा कैसे वर्क करता है, इसके लिए दो सिचुएशंस दी हैं इन्होंने। और दोनों सिचुएशंस में ये है कि एक सिनारियो तब काम आता है जब आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म हो, और दूसरा सिचुएशन तब काम आती है जब आप नया सेटअप कर रहे हो। तो इनिशियली स्टार्टिंग से आपको ध्यान रखना है। तो जो सिचुएशन वन है वो बोलती है द प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट इज़ नॉट वर्किंग रीजनेबली वेल। तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए विच इज़ कॉल्ड DMAIC इन शॉर्ट, डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल। पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या है, उसका इम्पैक्ट कितना है, फिर उसका एनालिसिस करो, उसको सुधारो और फिर उसको कंट्रोल करो कि बराबर चल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें सिचुएशन टू की, तो वहाँ पे तब काम आता है ये कि अभी कोई प्रोसेस एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो उसको शॉर्ट में बोला जाता है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा अप्रोच, DFSS अप्रोच। तो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द प्रोसेस गोल्स, पहले आपके गोल क्या है, बेंचमार्क सेट करो, कस्टमर क्या बोलता है वो समझो, फिर डिज़ाइनिंग करो, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करो, मतलब बेस्ट लेवल पे लेके आओ, सुधार करो उसके अंदर जितना हो सकता है, और फिर वैलिडेट दैट डिज़ाइन, मतलब उस डिज़ाइन को फाइनल अप्रूवल दो। तो पहले क्या सिचुएशन है, क्या चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से डिज़ाइन बनाओ, उस डिज़ाइन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो, बार बार इम्प्लीमेंट करो, मतलब पायलट टेस्टिंग जो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट मिले, और लास्ट में फिर आप उसको फाइनलाइज करो कि हाँ ये काम हो गया। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, दिस इज सिचुएशन नंबर टू। अब सिक्स सिग्मा वाले केस में इन्होंने क्या बोला है, कुछ सर्टिफिकेशन लेवल है बता रहे हैं इसके अंदर, के जो स्टाफ होता है वो भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना कि उसको सिक्स सिग्मा पे काम करने की समझ पड़े। तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, चैम्पियन, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ठीक है। और फिर फोर्ड मोटर का एक केस है, वो तो ठीक है इतना कुछ खास काम का नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, नो डाउट। तो इसमें ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये आपको एक बार पढ़ के उनका रिलेशन समझना है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका जूनियर है, सब लिखा हुआ है अंदर। ये आपको एक बार उसका फ्लो चार्ट जैसा फ्रेम करना है, और फिर जो आपको उसमें समझ आया मुझे समझाएंगे, और जो भी क्वेरी है हम आगे उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये सिक्स सिग्मा का भी एक बेसिक क्रक्स आपको मिल गया। मैं जानबूझ के पूरा नहीं समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उसको पढ़ो, थोड़ा यहाँ से नहीं समझ आए तो रिसोर्स इस पर ढूंढो, गूगल पे सर्च करो, लेकिन आप एक बार उसको ढूंढ के लाओ। बाकी जब अपना डाउट सॉल्विंग सेशन होगा तो उसमें अपने उसको डिस्कस तो कर ही लेंगे, वो कोई इशू है नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत तो आप कर ही सकते हो ना इतने चैप्टर में। तो इसके साथ फाइनली अभी तक के लिए अपना चैप्टर 16 कंप्लीट, अंटिल आपको डाउट्स लेके आओ और उसको भी क्लियर कराना होगा। बाकी मेरी तरफ से जितना समझाना था मैंने इसमें क्लियर आउट कर दिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इसको यहाँ पे पैकअप करते हैं, अगले लेक्चर में फिर कुछ नया कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।